हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेरिट्स जिनके 5 पॉइंट्स हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इनके डीमेरिट्स जिसके भी 5 पॉइंट्स हैं। हम सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल फिट सीबीएसई पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड और ऐसे वीडियो देखने को मिले। सबसे पहले हम इसके मेरिट्स देख लेते हैं। हम पहले सारे मेरिट्स को एक एक करके देखेंगे, उसके बाद सारे मेरिट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट फीचर है वो है परपेचुअल सक्सेशन। ये हमने इसके फीचर्स में पढ़ा था। कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन मीनिंग दैट इट कैन एग्जिस्ट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट। इट कैन ओनली बी ब्रॉट टू एन एंड बाय लॉ। यानी कि जो कंपनी है वो किसी मेंबर पर डिपेंडेंट नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, वो आते आते रहते हैं। कंपनी हमेशा न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाती रहती है, न्यू पर्सन से उसकी मीट होती है, न्यू पर्सन उससे जुड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर चले जाए या कोई नया मेंबर आ जाए तो उसका कंपनी पे एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंडेंट है। कंपनी का एग्जिस्टेंस किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अगर उसका एंड लाना है तो वो लॉ से एंड हो सकता है क्योंकि वो लॉ के द्वारा ही फॉर्म हुआ था। सेकेंड जो मेरिट है जॉइंट स्टॉक कंपनी का वो है लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी हमने उसके फीचर्स में पढ़ा था। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम। ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज्ड टू सेटल द डेब्ट्स। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर। यानी कि जो शेयर होल्डर्स यानी कि जो लोग कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। जितना शेयर उन्होंने सब्सक्राइब किया है 5% 10% जितना भी, और जो कंपनी के एसेट्स हैं वही कंपनी के डेब्ट्स सेटल करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। किसी शेयर होल्डर पर प्रेशराइज नहीं किया जाना चाहिए, तो इससे जो इन्वेस्टर होते हैं उन पर रिस्क कम से कम होता है। जो थर्ड मेरिट है वो है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अ कंपनी इज एबल टू रेज वास्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ही बस हम शेयर्स एंड डिबेंचर इशू कर सकते हैं। हम किसी और जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के उसमें शेयर्स और डिबेंचर इशू नहीं कर सकता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, बस कंपनी में ही शेयर्स और डिबेंचर इशू किए जा सकते हैं। इसी वजह से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं कंपनी की वो सबसे ज़्यादा होती हैं अगर हम किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करें। विद ह्यूज कैपिटल द कंपनी कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कंपनी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं, बहुत सारे लोग उससे जुड़े रहते हैं, एसेट्स भी बहुत होते हैं, इसलिए जो बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी इनको रेडीली लोन दे देते हैं, जिससे इनकी जो रिसोर्सेज है वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और इनका प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो फोर्थ मेरिट है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अ कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स। हमने अभी पढ़ा कि कंपनी में जो रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कंपनी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको हाई सैलरीज अफोर्ड कर सकती है और उनको अपनी कंपनी में एम्प्लॉय कर सकती है। दे कैन अपॉइंट पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। दिस लीड्स टू बैलेंस डिसीजन मेकिंग्स। तो कंपनी जो होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेती है जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स रहते हैं। उसमें फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, अलग अलग मैनेजमेंट में पूरी जो डिसीजन है वो एक डिसीजन के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। तो इसमें एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है कंपनी में, जिससे कि जो क्वालिटी रहती है डिसीजन की वो बहुत ही अच्छी रहती है और वो कंपनी को प्रॉफिट भी दिलाती है। इसका जो नेक्स्ट मेरिट है वो है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। अ कंपनी कैन एक्सपेंड इट्स बिजनेस ड्यू टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देयर इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन बिकॉज कंपनी कैन इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स विच अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। जो कंपनी होती है उसमें हमेशा एक स्कोप रहता है एक्सपेंड करने का, क्योंकि कंपनी के जो रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो बहुत ज़्यादा होती हैं। जो सेकंड रीज़न है वो है क्योंकि वो कभी भी कितना भी शेयर्स में डिबेंचर इशू कर सकता है। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो ज़्यादा लोग पैसे लगाते हैं जिससे उनका एक्सपेंशन बढ़ जाता है और बहुत सारे इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट करती हैं कंपनीज ताकि वो क्विक मनी बना सकें। इसलिए कंपनी एक ऐसा अकेला फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बिजनेस का कि इसमें हमेशा एक्सपेंशन के बहुत जल्दी एक्सपेंड हो जाती है। अब हम इसके सारे मेरिट्स को एक बार वापस देख लेते हैं। तो जो पहला मेरिट था वो था परपेचुअल सक्सेशन। ये हमने इसके फीचर्स में ही पढ़ा था कि कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी ये कंपनी कंटिन्यू करती है। अगर कोई मेंबर या शेयर होल्डर या ओनर कंपनी का लीव कर दे कंपनी बस एंड हो सकती है लॉ के द्वारा।
सेकंड जो होता है वो तो लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना भी उन्हें कंपनी का शेयर सब्सक्राइब किया है उनको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता अगर कंपनी का कोई डेब्ट सेटल करना है तो। और जो कंपनी के एसेट्स होते हैं वही यूज़ किए जाने चाहिए कंपनी का डेब्ट सेटल करने के लिए। जो थर्ड फीचर है वो था, थर्ड मेरिट है वो था यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं क्योंकि कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, तो इसकी जो कैपिटल होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे वो लोन भी ले सकती है बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी, क्योंकि वो भी इनको रेडीली लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो फोर्थ है वो तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी में जो रिसोर्सेज होती हैं फाइनेंशियल वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, तो ये एफर्ट कर सकते हैं हायर सैलरीज जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट डिमांड करते हैं, और ये इनको अपॉइंट कर सकते हैं अपनी कंपनी में, जिससे इनके जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है और इनको हायर प्रॉफिट देती है। जो फिफ्थ मेरिट है वो है स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी में हमेशा एक्सपेंशन का स्कोप रहता है क्योंकि कभी भी ये शेयर्स में डिबेंचर इशू कर सकती है और ये अकेला फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्सपेंशन बहुत ही जल्दी होता है। अब हम कंपनी के डीमेरिट्स देख लेते हैं। डीमेरिट्स में भी हम एक एक करके पहले सारी डीमेरिट्स देखेंगे, उसके बाद सारी डीमेरिट्स को एक साथ पढ़ेंगे। तो जो पहला डीमेरिट है वो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज अलॉन्ग विद प्रिपेयरिंग अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो कंपनी की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, उसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। दिस डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द लीगल रिक्वायरमेंट्स, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सारे गवर्नमेंट के लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो प्रिपेयर करना है इसका फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ये भी ये इसका डिमेरिट हुआ कि जो आपको अगर कंपनी स्टार्ट करनी है तो इसका फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो आप ये अपने दिमाग में रखने के बाद ही आप अगर कोई जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलना चाहते हैं तो तभी खोलें। सेकेंड डिमेरिट है कंपनी का, वो है लैक ऑफ सीक्रेसी। द कंपनी एक्ट requires each public company to provide information to the office of the registrar. Such information is made available to the general public also. Therefore, it becomes difficult to maintain secrecy. आपने पढ़ा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिसमें बहुत से शेयर होल्डर्स रहते हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक के पास ही जाती है कि कितना वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितने उनके लॉसेस हैं, और जो कंपनी होती है उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार को देनी पड़ती है। तो जो सीक्रेसी होती है यानी कि जो कंपनी के सीक्रेट्स होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं मेंटेन करने में, और कंपनी में सीक्रेसी नहीं होती है, तो ये भी इसका एक डिमेरिट है लैक ऑफ सीक्रेसी। थर्ड डिमेरिट है डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। कंपनीज आर फॉलोड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलोड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अप्रूवल्स में कॉज डिलेज एंड एक्शंस में ऑल्सो टेक टाइम, यानी कि जो कंपनी होती है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट होते हैं, बहुत से लोग होते हैं, तो सब अपनी अपनी उस पर वो जो सोचते हैं यानी कि अपनी राय उस पर देते हैं, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है। कुछ लोग अप्रूव करते हैं, कुछ लोग डिसअप्रूव कर देते हैं, तो इसमें भी बहुत सारा डिलेज होता है। उसके बाद जब फाइनली अगर कोई डिसीजन लिया गया तो उसके बाद उस पर एक्शन होता है। तो इस तरह कंपनी में जो डिसीजन होते हैं उसमें बहुत डिले होता है और बहुत टाइम लगता है। फोर्थ है वो है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। देयर मे बी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में उनमें हो सकता है, इन्वेस्टर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। द एम्प्लॉयज़ में भी इंटरेस्ट इन हायर सैलरीज, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा सैलरीज चाहिए, बेटर वर्किंग कंडीशन चाहिए, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क चाहिए, उनके भी बहुत से इंटरेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद जो कंज्यूमर है उनको बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए लोअर प्राइसेस में, उसके बाद शेयर होल्डर्स को भी हायर रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए। दिस डिफरेंसेस में रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये सारे जो डिफरेंसेस होते हैं सबके यानी कि कंपनी से बहुत से लोग जुड़े होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, ओनर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिस पर बहुत से लोग रहते हैं, इन सब का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, और अगर ये सारे लोग एक साथ डिमांड कुछ करने लगे तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कंपनी में। तो ये इसका डिमेरिट है कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट। फिफ्थ जो डिमेरिट है वो है न्यूमरस रेगुलेशंस। द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्टेड टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रेगुलेशंस, यानी कि जो कंपनी का फंक्शनिंग है यानी कि जो डे टू डे एक्टिविटीज कंपनी में होती हैं, जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, रेगुलेशंस होती हैं। एक वजह से ये है कि कंपनीज एक्ट के अंदर आती है कंपनी, तो उसको उसके सारे जो फॉर्मेलिटीज वो फॉलो करना पड़ता है। दूसरे ये होते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भी राइट होता है कंपनी पे, तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हर डिसीजन को। दिस रिड्यूस द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी एंड टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, और इसकी वजह से जो फ्रीडम है कंपनी का ऑपरेट करने का वो इफेक्ट होता है, रिड्यूस होता है, और हर डिसीजन पे हर एक
स्टेप पे बहुत सारा टाइम लगता है और एफर्ट लगता है। अब हम इसके सारे डीमेरिट्स को एक साथ देख लेते हैं। जो पहला डीमेरिट था वो था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसमें बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सेकेंड जो डीमेरिट था वो था लैक ऑफ सीक्रेसी, कंपनीज की जो भी सीक्रेट्स हैं वो सारे ऑफिस रजिस्ट्रार को देने पड़ते हैं, कंपनी को सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कंपनीज एक्ट के, और उनके जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरल पब्लिक में भी लीक हो जाते हैं जिससे उनको सीक्रेसी मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। थर्ड जो था वो था डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो कंपनी में जो डिसीजन लेते हैं वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये सब उस पर अप्रूवल देते हैं, और कुछ लोग अप्रूवल देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं। उसके बाद अगर एक्शन, अगर डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया गया है तो उस पर एक्शन में बहुत टाइम लगता है। जो फोर्थ था वो था कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, यानी कंपनी से बहुत से लोग जुड़े रहते हैं जैसे कि स्टेक होल्डर, जैसे कि शेयर होल्डर, इन्वेस्टर्स, उसके बाद एम्प्लॉइज, कंज्यूमर्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, इन सब के जो इंटरेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और इन डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट में डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। फिफ्थ था नंबर ऑफ रेगुलेशन, यानी कि जो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उसमें बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स इंटरफेयर करते हैं, कंपनी एक्ट का जो रूल्स होते हैं वो भी इंटरफेयर करते हैं, तो जो कंपनी का फ्रीडम ऑपरेशन का वो इफेक्ट होता है, और हर एक स्टेप में बहुत सारा टाइम लगता है।